हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ईद मेकअप लुक। तो मैंने सोचा ईद का मेकअप मैं करने जा रही हूँ, तो चलिए आपको लोगों के साथ कर लेती हूँ। ये पार्टी मेकअप लुक है और मैं नाइट में शूट कर रही हूँ और थोड़ा सा धीरे बोलूँगी, मैं स्लो स्लो बोलूँगी क्योंकि और लोग जग जाएंगे नहीं तो। तो मैं अभी शावर लेकर आई हूँ और तो मेरे बाल अभी थोड़े से वेट हैं, तो इनको इग्नोर कर दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरा वीडियो नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप उसको भी देख पाएँ। तो तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्री है, मतलब टोटल फ्री है, तो आप आराम से इसको शेयर कर सकते हो। शेयर करना भी फ्री है और लाइक और सब्सक्राइब करना भी। तो चलिए, बहुत बड़ा इंट्रो हो जाता है और मैं जल्दी जल्दी से बताऊंगी, तो इसलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा फेस अभी क्लीन है, तो मैं सबसे पहले बायोटिक का टोनर लगा लेती हूँ। ये है ग्रीन टी टोनर, दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं। टोनर मैं लगा चुकी हूँ, हो चुके हैं मुझे 2 मिनट्स। तो मैं अब ले रही हूँ एलोवेरा जेल और ये है बायोटिक का, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ही मैं आप लोगों को ये मेकअप लुक करके दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में कर रही हूँ मैं। आप लोग को शायद पसंद आ जाए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और समर है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और डे पार्टी है, डे नाइट पार्टी है, तो आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नाइट में कर रही हूँ इसलिए सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। आप लोग सनस्क्रीन लगा लीजिए। इसको लगाने के बाद भी मैं 2 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। प्रेप करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी स्किन को, क्योंकि अगर स्किन प्रेप रहेगी तो हाइड्रेट रहेगी अच्छे से और आपकी स्किन डीप ब्रीथ करेगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ लिप बाम। ये है हिमालय का लिप बाम है ये, इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो। लीची शाइनी है, ये लीची का है, तो आप उस पर डालिएगा हिमालय लीची रिचा रॉय चैनल। पहले रिचा रॉय डालिएगा, फिर लीची हिमालय लीची लिप बाम डालिएगा, तो आपको मिल जाएगा। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं अब लूँगी ओले क्रीम। ये है टोटल इफेक्टिव 7 एंटी एजिंग क्रीम है ये, तो मैं इसको ही ले रही हूँ, थोड़ा ही लिया है बस। नेक तक आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, क्योंकि आपका जो स्किन है हाइड्रेट रहे और आपका जो मेकअप है केकी ना लगे, इसलिए फाउंडेशन लगाने के समय केकी नहीं लगना चाहिए। जो भी चीज़ें आप लगाते हैं ना, तो 2 मिनट्स का गैप कर दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। अब मैं ले रही हूँ प्राइमर। ये है NYWay का प्राइमर है ये, बहुत ही अच्छा है आपके अगर ओपन पोर्स की, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो उनको ये अच्छे से फिलअप कर देता है और जो भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जाने देगा इस वजह से। तो ये इस तरह का है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट होता है ये, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, तो जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर्स है ना, तो आप वहाँ वहाँ लगा लीजिए। वैसे मैं पूरे फेस पर ही लगा लेती हूँ, इससे क्या है कि आपके जितना भी मेकअप करेंगे ना, तो अंदर नहीं जा पाएगा, आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगा, तो वो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं देगा। और मैं कर रही हूँ बीबी क्रीम से मेकअप, तो ये है बीबी क्रीम, पॉन्ड्स बीबी क्रीम ही ले रही हूँ मैं, और आपको डॉट डॉट करके ही लगानी है इसे।
कम हो तो फिर बाद में लगा सकते हैं, लेकिन डॉट डॉट करके ही लगाइए आप। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, तो मैं हैंड से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो अब मैं फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। ये है लूज पाउडर, ये मैंने बाइट टोन जो आता है ना पाउडर, वही ले रही हूँ मैं। मैंने बताया ना आपको, मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। आपको कोई भी चीज़ यूज़ करनी है ना, तो वो अपने ईयर्स पर और अपना नेक कभी ना छोड़ें, क्योंकि साथ में इन पर भी लगाना है आपको, क्योंकि ये भी नहीं तो अलग लगेंगे ये सब। तो ये है, ये अर्बन डीके के ब्रश हैं, ये बिगनर ब्रश हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। और ये ब्रश आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे, इनका टॉयल सेट सेड आता है, मतलब टॉयल आते हैं ये ब्रश, तो ये इस तरह के डब्बे में आते हैं। मैंने इसका रिव्यू अभी किया नहीं है, मैं इसका रिव्यू बहुत जल्दी कर दूँगी, पहले मैं यूज़ कर लूँ, अच्छे हैं अगर तो ही मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, तो आप लोग भी बाय कर सकते हो। पर बिगनर्स हैं तो आपको अच्छे ही लगेंगे, लेकिन और जो कुछ ब्रश है ना, वो मुझे बहुत ही मतलब हार्ड हार्ड लग रहे हैं, ये तो सॉफ्ट है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने पाउडर सेटिंग कर ली है और अब मैं अपनी आईब्रो फिल कर ले रही हूँ। तो मैंने आईब्रो ये वाली फिल कर ली है और मैंने की है इसके साथ, तो मैं अब इसको भी कर लेती हूँ। तो मैंने एंगुलर ब्रश लिया है, तो मैं पाउडर से ही अपनी जो आईब्रो है उसको फिल कर ले रही हूँ। तो मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है, मैंने मतलब अभी अपना थ्रेडिंग नहीं करवाई है, तो मुझे करवानी है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक मैं यहाँ नहीं होंगी, मैं अपने मम्मा के यहाँ चली गई होंगी, तभी आपको वीडियो मिलेगा, और वहाँ पर आपको नए नए सेटअप मिलेंगे, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ मैं बनाऊँगी वीडियोज़, मुझे भी नहीं पता, जब मैं वहाँ जाऊँगी तब पता चलेगा। एक्चुअली देखती हूँ वीडियो बना पाती हूँ, मतलब वीडियो तो मेरी आएंगी, लेकिन ब्लॉग आएंगे कि नहीं ये नहीं बता सकती हूँ, कोशिश करूँगी कि ब्लॉग भी आए। देखिए मेरी आईब्रो सेट हो गई है और मैंने पाउडर से सेट कर लिया अच्छे से। और अब मैं आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने अर्बन डीके का ही ब्रश लिया था, ये भी बहुत ही अच्छा ब्रश है, मतलब अच्छे से हो जा रहा है। तो अब मैं ले रही हूँ हिलेरी डोडा का पैलेट, ये है हिलेरी डोडा का पैलेट है ये। तो अब मैं इसके साथ अपनी आई शेडो फिल कर रही हूँ, आई शेडो लगाऊंगी मतलब इसके साथ में। तो मैंने आउटफिट पहन रखा है गोल्ड एंड ये कौन सा कलर होता है, मैजेंटा होता है ना, आई थिंक रानी कलर जो, हाँ मैजेंटा ही है शायद। तो उसके लिए मैं ये वाला कलर है ना, ये वाला यूज़ कर ले रही हूँ ये, और बीच में मैं वो सारा कलर्स लगाऊंगी, और थोड़ा ही थोड़ा लेना है आपको, तो दोनों आईज पर मैं ले रही हूँ, ज़्यादा हो गया है क्योंकि। जब भी ज़्यादा हो जाए ना तो आपको दोनों आईज पर ही लगा लेना चाहिए। तो अच्छे से मैं इसको सेट कर लूँगी। गोल्ड ज़्यादा है इसमें, तो मैं गोल्ड भी लूँगी इसके बाद ही, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेकअप कर रही हूँ मैं, इसको ज़्यादा नहीं तामझाम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, रात का टाइम है, तो इतना ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छा लगे बस,
पार्टी में अच्छे लगने चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो मैंने ये ऊपर तक ले लिया है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है ये। लेकिन अभी मैं जब इसमें गोल्ड लगाऊंगी ना, यहाँ यहाँ पूरे में गोल्ड में सिर्फ इस पर प्लेस कर लूंगी, सिर्फ ऐसे डैप करके, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ गोल्ड लगाने के लिए, तो मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का पैलेट है ये। ये क्रीमी है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने मेकअप में। तो मैं इसको फिंगर से ही लगा लेती हूँ और सिर्फ प्लेस करना है इस तरह डैब डैब करके। इसी तरह से ये आईज में भी करके आती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें मेरे जो मैंने आउटफिट पहना है उसमें थोड़ा सा ब्लैक भी है, तो मैं इसमें से ही एक ब्लैक कलर लेकर अपने इनर कॉर्नर पर ही सिर्फ प्लेस करूँगी, सिर्फ इनर कॉर्नर पर, इनर ये नहीं आउटर कॉर्नर पर, सॉरी, इधर पर ही प्लेस कर लूँगी मैं। तो देखिए अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अलग टाइप से लग रहा है। तो ये कॉपर और गोल्डन और मैजेंटा कलर अच्छे से इनहेंस हो रहा है, और जो मैंने लगाया था वो कलर भी अच्छे से ही जा रहा है। तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा और अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से दिखे। आईब्रो ये डन हो गया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग करने में मुझे सबसे ज़्यादा वाट लगती है मेरी कॉन्टोरिंग। तो कंटूरिंग कर ली है मैंने, तो मुझे याद आ गया कि मैंने अभी तक अपने आईज में काजल नहीं लगाया, तो मैं वो अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर नहीं लगाया था तो मैं वही लगाने जा रही हूँ। तो पहले मैं ये लगा लेती हूँ, पतला ही लगाऊंगी मैं।
तो मैंने आईलाइनर लगाया है ब्लू हेवन का, और मैं मस्कारा भी लगाने जा रही हूँ ब्लू हेवन का ही। मैं भूल गई थी एक्चुअली ये लगाना दोनों ही चीज़ें। मैं वही सोच रही मैं कुछ भूल रही हूँ शायद, फिर मुझे याद आया लिप कलर के बाद, क्रियोन के बाद, कि मुझे आईलाइनर मस्कारा भी लगाना है। अभी मैंने काजल लगा लिया और इसको भूल गई, तो ऐसी गलती इससे कभी कभी हो जाती है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये भी मैं न्यू हूँ ना, तो चलता है। चलिए फ्रेंड्स देखिए मेरा पूरा मेकअप लुक। तो फ्रेंड्स मैं ब्लश लगा ले रही हूँ, और मैंने ब्लश उसी में से ही लिया है, हिलेरी रोडा में से। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये वाला ब्लश लिया है मैंने मैजेंटा कलर का। तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत लगा लिया है, आई थिंक उसमें लग ही रहा है, बट मैंने इतना नहीं लगाया है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो अब मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, हाईलाइटिंग करती हूँ मैं, तो मैं किससे करूँ, किससे कर लेती हूँ, क्यूपिड बोर्ड पर लगा लेती हूँ, चिन पर लगा लेती हूँ। मैं फोरहेड पर लगा लेती हूँ, तो फ्रेंड्स मैं अब लिप कलर लगा रही हूँ NYB का, ये है मैजेंटा कलर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे आउटफिट फिट भी मैजेंटा कलर का है इस वजह से। और ये क्रेयॉन है तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, पार्टी वियर में ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। और आप मैं सेटिंग स्प्रे नहीं डाल रही हूँ, मेकअप सेटिंग स्प्रे आप लोग यूज़ कर लीजिएगा अगर आपके पास है तो, नहीं तो मैंने बनाना भी बताया है, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। आप डालेंगे रिचा रॉय सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे तो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी आती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये है मेरा लुक, और मैंने क्या यूज़ किया है, मेरे पास मांग टीका नहीं था तो मैंने ऐसे ही एक कुछ एडजस्टमेंट कर लिया, मेरे पास है नहीं मांग टीका एक्चुअली, तो मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और अब आप बताइए कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए। और मैं नहीं जानती कि मेरा लुक कैसा लग रहा है,
आई थिंक आपको अच्छा लगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, नए देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बिल्कुल ही तीनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैंने ये जो लटकने वाले आते हैं ना, जो ब्लाउज़ वगैरह में या लटकाए जाते हैं ब्लाउज़ की डोरियों में, तो ये मैंने वही लगा लिया है। तो चलिए, आई होप अच्छा लगे, तो देख लीजिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए माय वीडियोस, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग भी नया देख रहे हैं मेरे वीडियो को और मुझे फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा, नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप बेल आइकन भी साथ में यूज़ करते हो तो मतलब आप उसको भी हिट कर दीजिएगा, तो आपके पास न्यू वीडियो का एप्लीकेशन पहुँच जाएगा, तो आप आराम से उसको भी इंजॉय कर पाएंगे। और मेरे ये लुक कैसा लग रहा है, मेरे ये इयर रिंग कैसे लग रहे हैं, बहुत बड़े हैं, आई थिंक मेरे फेस के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन क्या है कि इस लुक में मतलब जो ईद में जो पहनती है ना, जो क्या कहते हैं मुस्लिम गर्ल्स, तो इसी तरह की कुछ पहनती हैं आई थिंक, तो और गोल्ड गोल्ड और मतलब चमकी चमकी ज़्यादा पहनती है, शाइनी शाइनिंग वाला, तो इसी तरह के मैंने इसीलिए लिया है। तो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय।